गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज हम 14 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है, अमेरिका के क्यूबा राज्य को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया है। और इस घोषणा के तहत अमेरिका क्यूबा को अमेरिकी विदेशी सहायता, रक्षा निर्यात और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर हम बात करें इस घोषणा की, तो ये घोषणा 12 जनवरी 2021 को होती है। हमारा अगला सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? और अगर मैं बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की, तो ये हाल ही में 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। और ये इंडेक्स विथआउट वीज़ा के तहत यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत 58 अंकों के साथ 85 नंबर के प्लेस पर रहता है। बात करें अगर हम जापानीज़ की, तो पूरे वर्ल्ड में इनका पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल होता है। हमारा अगला सवाल, तटीय रक्षा अभ्यास सागर विजिल 21 में कितने राज्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है 13, यानी कि इसमें 13 तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। और अगर हम बात करें सागर विजिल 21 की, तो इसमें थल सेना का अंतर सेवा सैन्य अभ्यास होता है। और बात करें अगर हम इस अभ्यास की, तो ये अभ्यास 12 से 13 जनवरी 2021 को कुल 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला सवाल, कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली में कुल कितने अंकों की संख्या है? बात करें अगर हम कानूनी इकाई पहचानकर्ता प्रणाली की, तो इसमें कुल अंकों की संख्या 20 है और इसे LEI के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और इस प्रकार के डिजिट का यूज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में होता है और इसकी शुरुआत हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। बात करें अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को होता है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र इंडिया में है और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हमारा अगला सवाल, बोजन कोंडा तथा लिंगला मेहता बौद्ध स्थल किस दक्षिणी भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें बोजन कोंडा और लिंगला मेहता बौद्ध स्थल की, तो ये एक जुड़वा बौद्ध स्थल है जिसका निर्माण 3री शताब्दी में होता है। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ ग्रामीणों के द्वारा पुरानी जो परंपराएं होती है उसको मानते हुए पेट नुमा आकृति पर पत्थर फेंके जाते हैं, और यही एक रीज़न है कि इस जैसे पुरातात्विक स्थल को नुकसान पहुँचता है। और बात करो अगर आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के CM YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम श्री विश्वभूषण हरिचंदन है। और कर्नाटक के CM का नाम BS येदियुरप्पा और गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला है। तेलंगाना के गवर्नर का नाम के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर का नाम तमिल साई सौंदर राजन है। और बात करो अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ के CM का नाम थिरु इदप्पणी है और गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गाय। और ये नितिन गडकरी ने हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें खादी प्राकृतिक पेंट की, तो ये इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगन और वॉशेबल भी होगा। और इस तरह के पेंट को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाने का है। हमारा अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई के बंदरगाह पर। और अगर मैं बात करूँ सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान की, तो ये साइंटिफिकली न्यू नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाया गया पोत है और इसका यूज़ भारत समुद्र की गहराइयों में संसाधनों का पता लगाने के लिए करेगा। और ऐसा काम करने के लिए भारत वर्ल्ड में 3rd नंबर की पोजिशन पर आ जाता है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टिन ऑर्केस टोडेरा को 53% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है? तो दोस्तों, फॉस्टिन ऑर्केस टोडेरा मिडिल अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और बात करें अगर हम फॉस्टिन ऑर्केस टोडेरा की, तो ये 63 की एज में मात्र 3% अधिक वोटों के साथ जीतकर फिर से इन्होंने चुनाव जीता है। हमारा अगला सवाल,
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के, और इसका लोकेशन महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में है। और वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने का मेन कारण ये होता है कि इसने रेगुलेशन एक्ट का पालन ठीक से नहीं किया है। और गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है, और करंट में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी है। उसी तरीके से गुजरात के सीएम का नाम विजया भाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और अगर बात करें केरल की, तो केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन है और केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। बात करें अगर हम पंजाब की, तो पंजाब के सीएम श्री अमरिंदर सिंह जी हैं और यहाँ के गवर्नर श्री वीपी सिंह बटनोरे जी हैं। हमारा अगला सवाल, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है? अगर मैं बात करूँ जो बाइडेन की, तो ये हाल ही में राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए हैं। और अगर हम बात करें CIA की, तो इसका पूरा नाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका फॉर्मेशन 18 सितंबर 1947 को होता है और इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है। और हाल ही में जिसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया गया है, उनका नाम विलियम बर्न्स है। और ये विलियम बर्न्स हैं, और अगर हम बात करें विलियम बर्न्स के बारे में, तो ये वही हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। और इसके साथ ही विलियम बर्न्स USSR यानी कि रसिया और जॉर्डन के राजदूत भी रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल, ICC की जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3 मैच में 44 की औसत से 222 रन बनाए हैं। और सिडनी टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 131 रन और दूसरी पारी में 81 रन बनाए हैं। हमारा अगला सवाल, भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को अपने चालू होने के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूरे 5 वर्ष, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2021 से 5 साल पहले हुई थी। और ये योजना हमारे देश के किसानों के लिए निकाला गया था, जिसके तहत किसी भी किसान के फसल खराब होने पर उसे उचित मुआवजे का प्रावधान होगा, यानी कि उसे उस बीमा के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाएंगे। हमारा अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। और इसके पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य के स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाले देश के 3 राज्य बन चुके हैं, और अब मणिपुर भी इनमें शामिल हो गया है। और बात करूँ अगर मणिपुर की, तो यहाँ के CM N. बीरन सिंह जी हैं और गवर्नर का नाम निजमा हुक्तुल्ला है। उसी प्रकार से केरल के CM का नाम पिनराई विजयन है और केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के CM का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी जी है। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के CM का नाम विजया भाई आर रूपानी है और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको रिवीजन के लिए PDF की ज़रूरत है, तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।